थाना रकाबगंज क्षेत्र स्थित बालूगंज इलाके में एक कंप्यूटर सेंटर के संचालक को छात्रा को अश्लील मैसेज भेजना भारी पड़ गया। कंप्यूटर संचालक छात्रा को गाली गलौज भरे मैसेज भेजकर परेशान कर रहा था। इस घटना का विरोध करने वाली छात्रा ने कंप्यूटर सेंटर पर पहुंचकर पहले तो हंगामा किया और फिर आरोपी कंप्यूटर सेंटर संचालक पर दनादन थप्पड़ों की बरसात कर उसे सबक सिखाने का काम किया। कमिश्नरी डागरा के थाना रकाबगंज क्षेत्र में कंप्यूटर संचालक एक छात्रा को व्हाट्सएप पर अश्लील मैसेज भेजकर परेशान कर रहा था। उसकी इन हरकतों से परेशान होकर छात्रा के सब्र का बांध उस समय टूट गया जब कंप्यूटर सेंटर संचालक ने छात्रा को हद पार करते हुए गाली गलौज और अश्लील मैसेज भेज दिए, जिसके बाद छात्रा ने कंप्यूटर सेंटर पर जाकर पहले हंगामा किया और उसके बाद दनादन थप्पड़ों की बरसात शुरू कर दी। हम आपको पूरा प्रकरण बताते हैं। बालूगंज क्षेत्र की रहने वाली बालूगंज चौकी के पास एक छात्रा कंप्यूटर सीखने जाती थी। छात्रा का आरोप है कि संचालक उसके मोबाइल पर लगातार मैसेज कर रहा था। पहले छात्रा ने मैसेज ना भेजने के लिए कहा, इसके बाद वह नहीं माना बल्कि छात्रा को अश्लील मैसेज भेजने का सिलसिला लगातार जारी रखा। छात्रा द्वारा रिप्लाई न देने पर उसे गंदी गालियां लिख भेजना शुरू कर दिया, जिसके बाद छात्रा ने कंप्यूटर संचालक को सबक सिखाने का मन बना लिया। वहीं कंप्यूटर सेंटर संचालक की इन हरकतों से परेशान छात्रा ने अपनी सहेली को पूरी घटना बताई, जिसके बाद सहेली ने अपने पति को साथ लिया और तीनों कंप्यूटर सेंटर पहुंच गए। इसके बाद छात्रा ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा देख संचालक ने गलती मानते हुए माफी मांगी। छात्रा ने मोबाइल पर उसके मैसेज को दिखाकर खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। छात्रा ने उससे कहा कि मैसेज को पढ़कर सुनाए। जैसे ही मैसेज पढ़ते समय गाली आई, वैसे ही छात्रा का पारा चढ़ गया और आरोपी को कई थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। छात्रा ने बताया कि संचालक लड़कियों से खुद के कुंवारा होने की बात कहता है, लड़कियों के मोबाइल नंबर लेकर उन्हें अश्लील मैसेज भेजता है। वहीं इसके बाद से इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं कंप्यूटर सेंटर संचालक का कहना है कि छात्रा से पहले उसकी बात होती थी, वह उससे कई बार उधार रुपए ले चुकी थी। रुपए वापस मांगने पर छात्रा ने मारपीट कर जबरन छिड़खाने की बात बताई है। मून न्यूज़ के लिए अनिल चौधरी की रिपोर्ट।